मित्रों, कल जब प्रधानमंत्री जी शिक्षकों को मिल रहे थे, उन्होंने एक विषय कहा। ऐसे तो आज अखबारों में आई है, कई विषय आई है, लेकिन एक प्रमुख विषय जो हमें लगा कि मैं आपके सामने उसको रेखांकित करूं, वह है कि हम सभी के सामने एक टारगेट रहता है। प्रारंभ में जैसे जगदीश कुमार जी ने कहा कि जब मैं पहला क्लास में गया, मेरे को 150 स्टूडेंट इकट्ठा मिले। एक कोर्स रहता है, उसकी बोझ रहता है, कैरिकुलम, सिलाबस, टेक्स्ट बुक, एग्जामिनेशन, इसकी एक रूटीन हमारे देश में बन चुकी है। इसमें डिग्री मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, हम कॉम्पिटेंट भी होते हैं, हमारी प्रोफिशिएंसी भी बढ़ती है, हम अपना कैरियर पाथवे में जाते हैं। लेकिन मित्रों, क्या इतना ही चीज पर्याप्त है या इतना ही चीज हमने सीखा है? हमने उससे और भी कुछ सीखा है। हमने कैरियर, कैरिकुलम, सिलेबस, टेक्स्ट बुक, लेक्चर्स, एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेट के बियॉन्ड जो चीज सीखा है वो जिंदगी के काम पे आता है। जो चीज फॉर्मली हमने नहीं सीखा, इनफॉर्मली सीखा, जो स्टूडेंट खुद को कल्पना करिए, स्टूडेंट सब समय में इंटेलिजेंट हो सकता है, ब्राइट हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं रहता है। उस जिस आयु तक वो पहुंचता है हायर एजुकेशन में, 18-19 साल से लेके 22-23 साल तक, 4-5 साल की एक वेरी डिसाइसिव मोमेंट उसकी जिंदगी में आता है। उस समय में हम लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हुए ये 15 लाख टीचर्स उनकी मेंटरशिप करते हैं, उनकी दायित्व लेते हैं, उनकी गार्डियन बनते हैं, उनकी मित्र बनते हैं। व्यक्ति को अपना परिवार की लोग, विशेष करके माँ और पिताजी, और उसके बाद कोई सबसे ज्यादा अनुभव देता है तो उसका नाम है शिक्षक।